For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. ये तो सभी जानते हैं कि सलमान खान ने बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी अपनी मल्टीटास्किंग एबिलिटीज का प्रदर्शन किया है। बिग बॉस और 10 का दम जैसे शोज के होस्ट बनकर तो भाईजान पहले ही छाए हुए थे और फिर उन्होंने द कपिल शर्मा शो को प्रोड्यूस करके कपिल शर्मा को भी नई जिंदगी दी। अब इस शो की सक्सेस को देखते हुए नच बलिए 9 के मेकर्स ने भी उन्हें अपने शो को प्रोड्यूस करने के लिए रोप इन किया और भाईजान ने ये पोस्ट एक्सेप्ट भी कर लिया। साथ ही वो इस शो के कुछ एपिसोड्स जज भी करेंगे। उन्होंने इस शो की शूटिंग भी शुरू कर दी है और गेस व्हाट, उन्होंने शो पर 4 चांद लगाने के लिए अपने क्लोज बडी मनीष पॉल को शो का होस्ट बनाया। मनीष के सेट पर आते ही धमाल मच गया और सेट से उनके और सलमान खान के फन मोमेंट्स की कई तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। तो आपको इन पिक्स को देखकर कैसा लगा ये हमें बताना ना भूलें। द कपिल शर्मा शो पॉपुलैरिटी चार्ट्स पर राज कर रहा है और इसके चलते कई सारे सेलिब्रिटीज अपनी फिल्म्स को प्रमोट करने इस शो पर आते हैं और अब कंगना रनौत भी अपनी आगामी फिल्म जजमेंटल है क्या को प्रमोट करने आ पहुंची कपिल शर्मा के शो पर। हालांकि इस बार उनके साथ ना एकता कपूर मौजूद थी ना ही फिल्म के मेल लीड राजकुमार राव, मगर फिर भी कंगना ने अकेले ही सभी सवालों को हैंडल भी किया और अपने बिंदास अंदाज से सभी को हंसाया भी। ऐसे में होस्ट कपिल शर्मा ने कंगना के मजाक उड़ाते हुए उनसे पूछा, आपके घर में गाय का दूध आता है या फिर शेरनी का? जैसे ही कपिल ने ये सवाल पूछा, कंगना भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई और उनके जवाब को देखने के लिए हम सब काफी एक्साइटेड हैं। कंगना की फिल्म जजमेंटल है क्या इस फ्राइडे यानी कि 26 जुलाई को रिलीज होगी और उन पर लगे मीडिया बैन के चलते उन्हें प्रमोशंस में और मेहनत करनी पड़ रही है, मगर कंगना ने हार नहीं मानी और इसका सबूत द कपिल शर्मा शो है। तो कंगना और कपिल की ये बैंटरिंग देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें बताना ना भूलें। जब से संजय लीला भंसाली ने अनाउंस किया है कि वो सलमान खान के साथ फिल्म बना रहे हैं, सभी मूवी बफ्स अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाए, मगर फिर SLB ने फिल्म की लीडिंग लेडी का नाम अनाउंस किया और गेस व्हाट, इस फिल्म में उन्होंने आलिया भट्ट को सलमान खान के साथ कास्ट किया है। अब आलिया भट्ट और सलमान खान के बीच के एज डिफरेंस को देखते हुए सभी फैंस अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे और सभी ने दबी आवाज में कहना शुरू कर दिया कि शायद संजय लीला भंसाली कोई गलती कर रहे हैं। पहले तो SLB ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर अब ऐसा लग रहा है कि उन पर भी इन बातों का असर हो रहा है और इसलिए वो एक्चुअल शूटिंग शुरू होने से पहले सलमान खान और आलिया भट्ट के बीच कुछ सीन्स की मॉक शूटिंग करवा वाले हैं। अब इस ट्रायल रन से शायद SLB कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहीं वो कोई बड़ा रिस्क तो नहीं ले रहे हैं। तो संजय लीला भंसाली के इस मूव के बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं। शुभवर्णा चैटर्जी और मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ बिग बॉस 13 के बारे में ओनली ऑन मूवीज अड्डा। और खुलासा ये है कि इस बार बिग बॉस 13 का जो थीम होने वाला है वो होगा हॉरर। जी हाँ, भूतिया थीम। देखने की बात ये होगी कि जो घर अपने झगड़ों और अपने तमाशों के लिए वैसे ही फेमस है, इसी घर को भूतिया सा एक डेकोर देके इनके मेकर्स कितना अच्छा काम कर पाते हैं। क्या ऑडियंस इसको ये भूतिया और हॉरर थीम पसंद आएगा? सीजन 7 में भी इससे मिलता जुलता कुछ हेल और हेवन वाला कॉन्सेप्ट बनाया गया था और ऑडियंस इसको वो बहुत पसंद आया था और इस बार ऑडियंस इसे कैसे एक्सेप्ट करती है देखने की बात होगी। आप लोग कितने एक्साइटेड है इस भूतिया और हॉरर थीम को बिग बॉस के घर में देखने के लिए, ये हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हम आपको बिग बॉस के घर के बारे में मोर अपडेट जरूर देते रहेंगे। देखते रहिए इसके लिए मूवीज अड्डा। सलमान खान
खान बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी छाए हुए हैं। द कपिल शर्मा शो को सक्सेसफुली प्रोड्यूस करने के बाद भाईजान अब नच बलिए 9 के प्रोड्यूसर भी बन गए हैं और इस शो को भी वो काफी सीरियसली ले रहे हैं। इस बार के सीजन का थीम काफी अनोखा है, जहां रियल लाइफ जोड़ियों के साथ साथ एक्स लवर्स की जोड़ियां भी पार्टिसिपेट करेंगी। ऐसे में खबर आई है कि सलमान इस थीम को जजेस के पैनल पर भी लाने वाले हैं और इसलिए वो अपनी ही एक्स संगीता बिजलानी को भी जजेस के पैनल का हिस्सा बनाने वाले हैं। हाल ही में शो की शूटिंग के दौरान जब उर्वशी ढोलकिया और उनके एक्स अनु सचदेव ने रिवील किया कि 4 साल बाद उन्होंने अपने रिलेशनशिप को खत्म कर दिया, तो दोनों एक दूसरे के साथ काफी कॉर्डियल बने रहे और आज भी दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। अब उर्वशी के स्टेटमेंट को सुनते ही सलमान खान ने भी कहा है कि मैं भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन रखने में विश्वास रखता हूँ। उन्होंने आगे ये भी कहा, बीइंग फ्रेंड्स विद योर एक्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। वेल, सलमान खान के इस स्टेटमेंट से तो साफ पता चलता है कि वो अपने हर रिश्ते को किस तरह संभालते हैं। और सलमान खान के इस स्टेटमेंट को जानकर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। वेल, जिस तरीके से लायन किंग ने रोर किया है बॉक्स ऑफिस पर, सुपर तरीके से रोरिंग हुई है। यस, बात कर रही हूँ मैं फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा अच्छा बिजनेस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये बहुत ही नॉस्टैल्जिया मोमेंट होता है जब भी कोई पुरानी फिल्में, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिससे हम बचपन से वाकिफ़ हैं, 90s के किड्स तो डेफिनेटली जानते होंगे, सिम्बा, मुफासा, इतने नोन, इतने ज़्यादा नॉस्टैल्जिक कैरेक्टर्स हैं हमारे लिए, और उस पर जब ऐड हो जाती है हमारे ही अपने शाहरुख खान की आवाज़ और साथ ही साथ उनके बेटे का डेब्यू वॉइस यानी कि आर्यन खान की आवाज़, तो डेफिनेटली एक और प्लस पॉइंट मिल जाता है हमें अपनी फैमिलीज के साथ जाके देखने का। ऑफ कोर्स इट्स अ फैमिली फिल्म, इट्स अ किड्स फिल्म, हर कोई देखना चाहता है, इट्स अ बिग एनिमेशन। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों के बावजूद जितना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि फ्राइडे जो होता है इट्स स्टिल नॉट द वीकेंड, इट इज़ स्टार्टिंग ऑफ द वीकेंड एक तरीके से, तो एक्सपेक्टेड बस जो था उसके मुताबिक फिल्म ने फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ का बिजनेस किया है, विच इज़ अ गुड नंबर, रियली गुड नंबर, बिकॉज फर्स्ट डे ही, क्योंकि ऑलरेडी सुपर 30 जो है वो बॉक्स ऑफिस पर चल रही है और भी तमाम फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर है, कबीर सिंह अभी तक चल रही है बॉक्स ऑफिस पर, इन सबको भी मात देते हुए फिल्म स्टिल मैनेजेस टू अर्न 10 करोड़, जबकि अब जो है एक्चुअल फिगर्स आएंगे जब वीकेंड खत्म होगा, यानी कि सैटरडे जाएगा, संडे जाएगा, देन मंडे को एक्चुअल वीकेंड फिगर्स आएंगे, लेकिन फर्स्ट डे के हिसाब से इस फिल्म ने डेफिनेटली एक अच्छा जॉब किया है, नॉट बैड एट ऑल। आप लोग कितना एक्साइटेड हो लायन किंग के लिए, और शाहरुख और आर्यन की आवाज़ को बहुत पसंद किया जा रहा है, आपके क्या व्यूज है इस चीज़ पर, वीडियो के नीचे जाओ, कॉमेंट सेक्शन में बताओ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल मूवीज अड्डा। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। पिछले साल फिल्म भारत की शूटिंग के दौरान सलमान खान की मां सलमा खान भी उनके साथ माल्टा गई थी और यहां उन्होंने कटरीना कैफ के साथ खूब बॉन्ड किया। इसी स्केड्यूल के दौरान अर्पिता खान ने सलमा खान और कटरीना कैफ की एक प्यारी सी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल की, जहां ये दोनों एक दूसरे को हग करते नजर आए, और गेस व्हाट, इस पिक्चर में कटरीना दुल्हन के जोड़े में नजर आई। फिर क्या, फैंस को लगने लगा कि अर्पिता इस पिक के जरिए कोई बड़ा खुलासा कर रही हैं और सभी को यकीन हो गया कि आखिर भाईजान कटरीना से शादी कर रहे हैं। पर नहीं, कैट का ये ब्राइडल लुक तो उनकी फिल्म भारत के लिए था। फैंस को जब ये पता चला तो वो काफी डिसअपॉइंट हुए, लेकिन समय के साथ साथ वो इस पिक को भूल गए। पर अर्पिता ने कटरीना के बर्थडे के दिन एक बार फिर इस पिक्चर को शेयर करते हुए उन्हें विश किया। अब ये देखकर एक बार फिर भाईजान के फैंस ने इस पिक्चर को सास बहु कहा और कटरीना भाभी को विश करते हुए अर्पिता से रिक्वेस्ट की कि वो भाईजान को कैट से शादी करने के लिए कन्विंस करें। तो क्या अर्पिता भाईजान के फैंस की ये बात मान लेंगी, ये देखना अभी बाकी है। खैर, आपको कटरीना की ये थ्रोबैक पिक्चर कैसी लगी हमें बताना ना भूलें।